आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वादिष्ट और मसालेदार खिचड़ी की रेसिपी। इस खिचड़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, वो भी एकदम सही पानी और चावल दाल के माप के साथ। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये खिचड़ी आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में परफेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक कप चावल ले लेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए छोटे वाले चावल का इस्तेमाल करें, इससे खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती भी है और दिखती भी है। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक कप चावल और बराबर मात्रा में दाल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो मिक्स दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कप चावल और एक कप दाल ले ले और इन दोनों को ऐसे मिला के हम पानी से धो लेंगे। इन्हें भिगो के नहीं रखना है, बस इसे ऐसे पानी से धो के निकाल लें और उसके बाद रख दें और इसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ करेंगे। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने पहले से प्रेशर कुकर गर्म करके रखा है, इसमें तेल डालेंगे। तेल का इस्तेमाल मैं 4 चम्मच कर रही हूँ, आप चाहिए तो कम करें। 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें, हींग से स्वाद अच्छा आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे हम। इसके बाद हम इसमें 2 इंच अदरक कटा हुआ, 6 लहसुन की कलियाँ कटी हुई ले लेंगे, करी पत्ता ले लें, 1 या 2 हरी मिर्च ले लेंगे, 2 बड़ा प्याज कटा हुआ और 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ। तो सबसे पहले तेल में हम ये अदरक और लहसुन डाल देंगे और इसे पका लेंगे। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कटा हुआ ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पका लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज का इस्तेमाल जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा कर रही हूँ। करी पत्ता डाल दें और इन्हें हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो यहाँ पे ये टमाटर डाला मैंने। हरी मिर्च का इस्तेमाल आप ऐसे तोड़ के करें, इससे क्या होता है ना, खाते वक्त आप इसे निकाल सकते हैं और बच्चों के थाली में भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो दिख जाएगा ना आपको बड़ा करेंगे तो। तो मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप इसमें 2 हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला दें इसे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के आलू कटे हुए डाल देंगे और हरा मटर डाल देंगे। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो इसकी जगह दूसरी सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो आलू को मिला दिया मैंने, फिर इसमें हम ये हरा मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है, आप इसमें फ्रेश हरा मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिला दें और इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसाला में कुछ भी नहीं डालना है, बस 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्च चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। मिला दें इन तीनों को। इसके बाद हम इसमें चावल और दाल डाल देंगे। तो चावल दाल को हमने पहले से धो के रखा है। चावल दाल डालने के बाद इसे मसालों के साथ 1/2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लें, इससे खिचड़ी में एक सौंधा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भून लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें 3 गुना यूज़ करना है, मतलब हमने 1 कप चावल और 1 कप दाल लिया था, तो पानी यहाँ पे 6 कप का इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो सेम बर्तन से आप सारा मेजरमेंट करें, मतलब कप या कटोरी से। तो 1 कप चावल 1 कप दाल के लिए यहाँ पे 6 कप पानी मैंने सेम कप से इस्तेमाल किया है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई कटोरी या फिर कप इस्तेमाल करें, बस सारा मेजरमेंट सेम बर्तन से करें। तो 2 कप चावल दाल के लिए मैंने यहाँ पे 6 कप पानी का इस्तेमाल किया है, पानी 3 गुना इस्तेमाल करें। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पकाएंगे। हमने यहाँ पे मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, जिसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप तुअर या अरहर का इस्तेमाल करें तो 2 सीटी ज़्यादा लगाएं। तो यहाँ पे ये 4थी सीटी लग गई है, हम गैस को बंद करते हैं और इसके बाद प्रेशर कुकर को खुद से ही ठंडा हो जाने दें, बीच में आप इसे न खोलें। तो जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, आप ऐसे एक बार चेक कर लें और उसके बाद इसे सावधानी से खोलें। ध्यान रहे कि स्टीम ज़्यादा रहता है, इसलिए आप फेस को इस डायरेक्शन में नहीं रखें। और ये हमारी मज़ेदार खिचड़ी जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, जितना हमने पानी इस्तेमाल किया है वो एकदम परफेक्ट है। तो बहुत लोगों को ऐसी खिचड़ी पसंद आती है, कुछ लोगों को पतली खिचड़ी पसंद आती है। तो अगर आपको थोड़ी पतली खिचड़ी चाहिए ना, तो आप इसमें गुनगुना पानी या फिर गर्म पानी 1 कप मिला दें, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप इसे तुरंत खा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसका टेक्स्चर एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर आप इसे 1/2 घंटा या 1 घंटे बाद खाने वाले हैं तो आप इसमें 1 कप गर्म पानी डाल दें। खिचड़ी या दाल की थिकनेस को कम करने के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर आप नॉर्मल या ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो चावल दाल अलग अलग दिखने लगेंगे। तो ये हमारी खिचड़ी जो है वो बनके तैयार है, पानी को हमने मिला दिया है। तो ये हो गई आपकी पतली वाली खिचड़ी, मतलब अगर आपको पतली खिचड़ी पसंद है ना, तो आप इसे ऐसे बनाएं। ये आप देख सकते हैं चावल दाल हमने एकदम सही से पकाया है,
तो वो एकदम परफेक्ट माप के साथ आप खिचड़ी बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगी। तो ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। आप चाहिए तो इसे ऐसे सर्व करें या फिर इसके ऊपर आप तड़का लगा सकते हैं। तो तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच घी गरम करेंगे। इसमें हम 4 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई डाल देंगे और थोड़े से करी पत्ता। दोनों को पका लें। जैसे ही लहसुन का कलर ब्राउन हो जाएगा हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को डाल देते हैं हम खिचड़ी पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑप्शनल है। तो ये हमारी सुपर टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो हल्के हाथों इसे मिला दें। ध्यान रहे कि इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करें, नहीं तो खिचड़ी कम हलवा ज़्यादा बन जाएगा। तो ये हमारा सुपर टेस्टी खिचड़ी जो है वो बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। तब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि चावल लाल एकदम परफेक्ट पके हुए हैं, कोई भी ओवर कुक नहीं है और इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। तो हमेशा खिचड़ी बनाते वक्त जब हम कुकर में बनाते हैं ना तो कभी तो ये ज़्यादा पक जाता है या फिर कभी कच्चा रह जाता है। तो पानी का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है कि 1 कप चावल दाल के लिए आप 3 कप पानी का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मज़ेदार खिचड़ी जो है बनके तैयार है। आप चाहिए तो इसे ऐसे खाएं या इसके ऊपर घी डाल के खाएं या फिर थोड़ा सा घी और लाल मिर्च डाल के आप इसके ऊपर ऐसे तड़का भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।